नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। ये अमेजोन से प्रोडक्ट था जो मैंने बाय किया था, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर निकला, ख़राब निकला, तो इसलिए मैं एक्सचेंज, मुझे ऑप्शन दिया गया था तो मैंने एक्सचेंज किया, नया आ रहा है। दोस्तों काफ़ी दूर जाना पड़ता है मार्केट, यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर है, और थोड़ा सांस फूल रही है क्योंकि चढ़ाई बहुत है, थोड़ा बोलने में तकलीफ़ हो रही है सांस की वजह से, लेकिन थोड़ा तेज आया हूँ इस वजह से हो रहा है ये सब कुछ। लेकिन अभी जो मैं जा रहा हूँ आपको दिखाऊंगा कहाँ कितनी दूर मार्केट है और क्या उसका हिसाब किताब है। दोस्तों ये मैंने मंगवाया था एक अडैप्टर जो कि पीसी से कनेक्ट होता है माइक्रोफोन में, लेकिन ये ख़राब निकला, तो इसको एक रिप्लेस करने के लिए, मतलब एक्सचेंज ऑफर में, एक्सचेंज नहीं उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑप्शन में मैंने डाला था, तो आज ये रिटर्न हो रहा है। इधर से मार्केट काफ़ी दूर है दोस्तों, 4 किलोमीटर तकरीबन पड़ जाती है, और रोड भी ठीक ढंग सा नहीं है। अभी थोड़ा सांस फूली है तो थोड़ा सांस लेने में, मतलब कि बोलने में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि काफ़ी तेज़ आया हूँ मैं अपने घर से। मेरा घर यहाँ से जो लिंक रोड है वहाँ से भी काफ़ी दूर है। गाँव में ऐसा ही होता है दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन हमें इसी में मज़ा आता है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाती है चलने की। और दोस्तों यहाँ दिखाता हूँ मैं अपनी, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, ये देख रहे हो आप, यहाँ हमारा कार स्टॉप स्टेशन बोल सकते हो आप इसको, गैराज यहीं है, ओपन है, ढका हुआ। ये मेरा यहाँ बुलेट पड़ा है, इसी पे जाऊँगा, गाड़ी पे जाऊँगा तो काफ़ी खर्चा हो जाता है, और गाड़ी पे जाने के बाद तो इसलिए बाइक ठीक रहता है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, एक मिनट वेट करना। तो दोस्तों ये वो गाड़ी है जो मैंने KBC से जीती थी 2017 में, 2 साल तकरीबन, 2.5 साल हो चुके हैं, 3 साल होने को है, और अभी तक ये 6000 किलोमीटर चली है, और बिल्कुल इसके व्हील्स देख रहे हो आप, बिल्कुल नए के नए हैं, अभी बिल्कुल भी थोड़े से भी नहीं इनके घिसे हैं, क्योंकि मैंने जाना नहीं चलाई, क्योंकि पीछे वाली जो गाड़ी देख रहे हो इसको हम ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि ये रफ़ गाड़ी है और ये रफ़ रोड्स पे बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि हमारा रोड आप देख रहे हो किस तरह का रोड है, ये देख रहे हो आप, इतने इतने खड्डे इसमें, और ऊपर को चढ़ाई भी बहुत है। तो ये वाली गाड़ी ऑल्टो जो गाड़ी है बहुत अच्छी गाड़ी है ऐसे रोड्स के लिए, और इसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत कम है। तो ये हमारी गाड़ी है, तो इस गाड़ी को मैं दिखाऊंगा आपको KBC से, जब आप कमेंट्स में कभी कहोगे कि यार अपनी गाड़ी दिखाओ KBC से मैंने जो जीती थी, तो मैं दिखाऊंगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फी भी, फीस है वो भी कंपनी वालों ने दी थी, इसकी जो इंश्योरेंस है वो भी कंपनी वालों ने दी थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 रुपया भी मेरा इसमें नहीं लगा, बिल्कुल फ्री गाड़ी मुझे मिली है, मतलब जीती है, फ्री तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने बहुत टाइम से KBC को मैं खेल रहा था 2011 से लेके, और 2017 में मुझे प्राइज़ मिला ये, तो इसको फ्री नहीं कह सकते, इसको मेहनत की कमाई कह सकते हैं। कि रात को 12 बजे तक मैसेज करता था मैं खेलने जीतने के लिए, और हर साल हर सीज़न मैं इसको KBC खेलता था। तो फिलहाल ये थे, अभी मैं चलता हूँ अपने कुरियर को लेने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में आपको फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार ये क्या कवर लिया है बाइक के लिए, दोस्तों कवर इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत हमारे घर से दूर रहती है बाइक्स, तो इसलिए मैंने इसके लिए कवर नहीं लिया, क्योंकि फट जाते हैं, हवा लगती है, अगर अपना गैराज हो तब तो आराम से हम रख सकते हैं, लेकिन ये जो गाड़ी के पुराने कवर्स बचे थे वही मैंने यूज़ किए हैं बाइक में, काफ़ी ठीक है, चलते हैं, चलने दीजिए। तो दोस्तों ये रोड आप देख रहे हो अभी, इस तरह का रोड है इधर से,
थोड़ा आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैंने हेलमेट भी लगाया है साथ। सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियोस तो बनते रहेंगे, तो इस तरह का रोड है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको बाद में, क्योंकि अभी एक हाथ से बड़ा मुश्किल हो रहा है बुलेट को चलाना, एक हाथ से फ़ोन पकड़ना। तो हालांकि मैं आपको बाद में अभी मिलता हूँ। यहाँ अभी सनसेट भी होने वाला है और यहाँ से आप नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं किस तरह का है हमारा। अभी मैं वहाँ से आया उधर से, तो ये रोड है बिल्कुल कच्चा रोड। और दोस्तों इस पर बुलेट चलाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि जम के चलती है जो बाइक वो सिर्फ बुलेट है, भारी होती है और अच्छी चलती है। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अभी कुरियर के टाइम। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ और यहाँ पीछे देख रहे हो आप नीचे, बिल्कुल वहाँ से मैं आया हूँ। वो हमारा मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, थोड़ा बहुत सामान मिलता है। और ये हाथ में मैं थोड़ा बहुत सामान भी खरीद के लाया हूँ। दोस्तों इतने दूर जाना है मार्केट तो कुछ ना कुछ लेके आना पड़ता है, इसलिए क्योंकि दूर जाना है, पता नहीं कब जाना होगा मार्केट में, तो कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान लेके आ जाता हूँ। और साथ में वो पार्सल जो रिटर्न के ऑफ़र के लिए दिया था, मतलब रिटर्न के लिए दिया था, तो ऑफ़र तो कहाँ, रिटर्न के लिए दिया था, वो भी वापस आ चुका है। और जो ख़राब था वो पीस मैंने वापस दे दिया है। तो ये भी थोड़ा ऑनलाइन ख़रीदने का एडवांटेज है कि हमें रिटर्न पॉलिसी में एक हफ्ता और एक महीने के अंदर हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। और आपको मैं बैक से दिखाता हूँ किस तरह का, यहाँ ये देख रहे हो आप, यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो सामने यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है और यहीं मेरी भी पढ़ाई यहीं हुई है। और ये साथ में आप देख रहे हो यहाँ ये मार्केट है। इस मार्केट में छोटी सी मार्केट है, बस इधर से ही मैं टाउन बोल सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत है, यहीं से मैं सामान लेता लेके आया हूँ। और यहाँ से देख रहे हो आप कितना अच्छा व्यू है। तो दोस्तों बस आज का ब्लॉग इतना ही। हेलमेट मैंने लगा के रखा है, मास्क मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने हेलमेट ही यूज़ किया है, और भूल गया था मास्क, क्योंकि मास्क ये बहुत ज़रूरी है और हेलमेट वेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और बस आज का ब्लॉग इतना ही। आप सपोर्ट कीजिए, मेरा नया चैनल है, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा यार, मोटिवेट होते हैं इससे जब आप थोड़ा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद।